हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तिल के चार दाने चमत्कार से कम नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम सभी के घरों में तिल का इस्तेमाल होता रहता है। आमतौर पर मीठी चीजों में या लड्डू बनाने के लिए भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग बर्फियां बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सर्दियां आते ही गुड़ के साथ इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। तिल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। तिल में सेस्मिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। अपनी इस खूबी की वजह से ये लंग्स कैंसर, पेट के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका को कम करता है। इसके अलावा भी तिल के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिन्हें जान लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये तनाव कम करने में सहायक होता है। तिल में कुछ ऐसे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो तनाव और डिप्रेशन को कम करने में सहायक होते हैं। नंबर दो, हृदय की मांसपेशियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तिल में कई तरह के लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं, जो हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से कम करने में मदद करते हैं। नंबर तीन, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तिल में डाइटी प्रोटीन एवं अमीनो एसिड होते हैं, जो बच्चों की हड्डियों के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये मांसपेशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तिल का तेल त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी मदद से त्वचा को जरूरी पोषण मिलता है और इसमें नमी बरकरार रहती है। अब जानते हैं इसे कैसे खाना है। आप इसे लड्डू बनाकर खाएं, तिल की पट्टी बनाकर खाएं, तिल की बर्फी बनाकर खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।